प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान गर्मी के चलते गेहूं की फसल पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा भी की। अचानक मौसम में हुए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने रबी फसलों पर पड़ने वाले मौसम के प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। आपातकालीन स्थिति में राज्यों की तैयारियों और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के बारे में भी जाना। इस दौरान प्रधानमंत्री को भारतीय मौसम विभाग की तरफ से मौसम पूर्व अनुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गर्मी को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। गर्मी की स्थिति से निपटने और बच्चों को मौसम के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में इसके बारे में बताया जाना चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि गर्म मौसम में क्या करें और क्या ना करें, इसका आसान प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए। पीएम मोदी ने आईएमडी से डेली वेदर फोरकास्ट को आसान तरीके से जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही टीवी समाचार चैनल्स, एफएम रेडियो मौसम पूर्व अनुमान को सही तरीके से समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट खर्च करने का निर्देश दिया है। इससे नागरिकों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी।